और गाजा के अल शिफा अस्पताल में बंधकों को छिपाने का सबूत है। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। 7 अक्टूबर को बंधकों को लाया गया था अल शिफा अस्पताल। थाईलैंड और नेपाल के नागरिकों को लाया गया था हॉस्पिटल में। और इस वीडियो के हवाले से ये दावा किया जा रहा है, ये देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बंधकों को हॉस्पिटल में लाया गया था। और आपको याद होगा कि इसराइल ने भी यही दावा किया था कि अल शिफा में बंधकों को छुपाकर रखा गया। तो इसराइल हर रोज हमास की करतूतों का सबूत पूरी दुनिया के सामने रखता है। कल भी उसने एक वीडियो को जारी किया जिसमें 7 अक्टूबर के हमले के बाद 2 बंधकों को अस्पताल में ले जाते दिखाया गया। इस वीडियो में आप देखिए, ये वीडियो इस वक्त आपके सामने, यहां पर किस तरह जो घायल भी है रवि, ये जो स्ट्रेचर है, किस तरह से स्ट्रेचर के जरिए, और यहां पर देखिए धक्का ले धक्का मारते हुए बंधक को जबरदस्ती अल शिफा अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप ध्यान दें तो जो लोग इस घायल व्यक्ति को ले जा रहे हैं उनके पास देखिए हथियार भी है। ये देखिए वेपन आप देख पाएंगे, वेपन टांगे हुए वो जा रहे हैं, मतलब साफ है कि वो सीधे इनको लेकर आए हैं। घायल हो या फिर उनको बंधक बनाया गया हो, उनको पकड़ के ले जाते हुए हथियारबंद ये लोग थे। और ये 7 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है, इसराइल ने ये दावा किया है। तो ये एक और सबूत इसराइल की तरफ से दिया गया है। सोई सर, अब क्या सबूत चाहिए? पहले ये कहा जा रहा था कि कम सबूत हैं, प्लांटेड हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन 7 अक्टूबर का ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि यहां पर बंधकों को लाया गया था, कुछ को घायल अवस्था में और कुछ को जबरदस्ती। नहीं बिल्कुल रवि, ऐसा है कि जो अरब मीडिया या हमास का जो मीडिया वो कोशिश कर रहा है कि ये सब जो बातें ये प्लांटेड की जाएँ कि हथियार रख दिए, कोई टनल नहीं मिली या कोई बंधक नहीं था। लेकिन देखिए 55 मीटर की टनल मिली है, उसके आसपास का वीडियो कई बार हमने देख लिया है, हथियार मिले हैं और ये बंधक वाला भी सीसीटीवी जो फुटेज आया है। यही नहीं, इसके अलावा अगर अंदर वो आतंकवादी नहीं थे तो अंदर से गोली कौन चला रहा था? क्या मरीज गोलियाँ चला रहे थे या नर्स चला रही थी गोलियाँ? अगर इसको सपाट में पूछ लूं आपसे कि क्या आईडीएफ को हमास ने मजबूर किया अल शिफा पर हमले के लिए, इस ऑपरेशन के लिए? नहीं बिल्कुल, अगर आप वहां पे छुपे हुए हो और इसराइल बार बार वार्निंग दे रहा है कि इसको खाली कीजिए, खाली कीजिए, खाली कीजिए, और मैं बता रहा हूँ इसराइल ने बहुत दिन तक 6-7 दिन तक टैंक चारों तरफ लगा के अपना कंट्रोल रखा है और अभी भी बड़ी कंट्रोल तरीके से, ताकि बाकी मरीजों को नुकसान ना हो, बाकी डॉक्टरों को नुकसान ना हो। और उस तरह से रात को 5-6 दिन के बाद उन्होंने हॉस्पिटल में एंट्री मारी करने को, तो पहले दिन से वो टैंक फायर करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, तो काफ़ी लोग मरीज या बच्चे मारे जाते, वो नहीं किया उन्होंने। तो ये एक तरह से मजबूर था कि जब वहां से अंदर से फायर आ रहा है तो उनको क्लियर करना है, तो मरीजों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी। तो कहीं ना कहीं हमास दोनों चीजें कर रहा है, एक तो ग्राउंड पर हमास से इसराइल जो है युद्ध कर रहा है, तो ये दो चीजें कि एक तरफ तो वॉर चल रही है हमास को खत्म करने की, दूसरी तरफ जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था उसको भी तोड़ने की कोशिश आईडीएफ की तरफ से लगातार की जा रही है। और देखिए हमास के हमले पर नेतन्याहू का बयान एक बार फिर से, फिलिस्तीनी प्राधिकरण का बयान बेतुका, 7 अक्टूबर को हमास ने किया था नरसंहार, हमास के पक्ष में फिलिस्तीन का बयान, नरसंहार का आरोप नामंजूर, ये कहा है नेतन्याहू।